यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। फरीदाबाद सेक्टर 7 में संजीवनी क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए डॉक्टर को रंगे हाथों गर्भपात करने की दवा देते हुए गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग को पिछले कई दिनों से डॉक्टर के खिलाफ गर्भपात करने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते बल्लभगढ़ SMO और सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने एक टीम गठित की, जिन्होंने एक नकली ग्राहक बनाकर क्लिनिक पर गर्भपात की दवा लेने के लिए भेजा। इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर डॉक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और गर्भपात करते वक्त प्रयोग में लाए जाने वाले औजार भी उनसे बरामद कर लिए। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है और आगामी कार्रवाई पुलिस की तरफ से शुरू कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम का यह भी कहना है कि जो डॉक्टर क्लिनिक चला रहा था वो MBBS नहीं था और ना ही उसके पास क्लिनिक चलाने के लिए कोई कागजात उपलब्ध थे, इसलिए उन्होंने इस कार्रवाई को अमल में लाया है। यहाँ पे एक गुप्त खबर मिली थी कि यहाँ FTP का काम, बच्चा गिराने का, गर्भपात का काम चलता है। काफ़ी दवाइयाँ इन पे मिली हैं, इंस्ट्रूमेंट मिले हैं। एक बहुत और तगड़ी चीज़ क्या है कि इसमें ना इनके पास ये जो सिंगल यूज की सिरिंज है उनको रीयूज कर रहे हैं, जिससे HIV वगैरह फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जो रूल के तहत जो धाराएं लगेंगी वो सारी लगाई जाएंगी। भी तो इनके पास डिग्री नहीं है, ये कि ये फोटो कॉपी दिखा रहे हैं, अब वो तो जांच के बाद पता लगेगा सच्चाई है कि झूठ है, ये सब चीज़ बाद में। एक रजिस्ट्रेशन की फ़ोटो कॉपी दिखा रहे हैं, डिग्री ये कह रहे हैं कि इनकी वाइफ लेके चलेगी है, वो इनका फैमिली कोई मैटर होगा।